Hello students, welcome to Learning with AJ Sir YouTube channel. I am Ajay Kumar Yadav and I once again welcome you in this new video lecture. प्यारे बच्चों, आज हम 12th class की Flamingo book से 3rd chapter को discuss करने वाले हैं और इसका नाम है Deep Water. बहुत ही important, बहुत ही ज्यादा message देने वाला ये चैप्टर हमारे बीच है, तो चलिए शुरू करते हैं डीप वाटर। देखिए बच्चों, डीप वाटर का मतलब होता है गहरा पानी। यहां पे ये जो चैप्टर है, तो बच्चों ये चैप्टर किस कैटेगरी का है? तो ये चैप्टर है नॉन फिक्शन। आप जानते हैं नॉन फिक्शन का मतलब होता है एक ऐसा टेक्स्ट, एक ऐसा राइटिंग पैसेज जो कि किसी भी इमेजिनेशन पर, किसी भी तरीके के फैंसी पर बेस नहीं होता, ये रियल होता है, ये बिल्कुल ओरिजिनल होता है, इसे हम कहते हैं नॉन फिक्शन। तो यहाँ पर ये नॉन फिक्शन है और नॉन फिक्शन में ये एक ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट है। देखिए, जब नरेटर अपनी लाइफ से जुड़े इंसिडेंट्स को वो प्रेजेंट करता है किसी लिटरेरी पीस में, तो हम उस लिटरेरी पीस को कहते हैं कि दिस इज ऑटोबायोग्राफिकल टेक्स्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरा होता है बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो बायोग्राफिकल वो होता है जिसमें नरेटर खुद की लाइफ की बजाय किसी दूसरे इंसान की लाइफ को प्रेजेंट करे, तो हम इस लिटरेरी पीस को हम कहेंगे बायोग्राफिकल टेक्स्ट। तो आई होप आपको ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में फर्क समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं कि ये चैप्टर किस थीम को हाईलाइट करता है। ये चैप्टर फियर यानी कि जो डर होता है, इस डर को हाईलाइट करता है कि देखिए, इंसान की जिंदगी में जब उसे किसी चीज, किसी इंसान या किसी प्रोसेस से जब डर महसूस होता है और वो डर इतना ज्यादा पावरफुल हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि वो उसकी लाइफ को बहुत मास लेवल पे डिस्टर्ब कर दे, तो इस सिचुएशन में इंसान कैसे उस अपने डर से जीत सकता है, कैसे उस डर से ओवरकम हो सकता है, कैसे उस डर को अपने दिल से वो निकाल सकता है। तो यहां पर हम इस डीप वाटर के जो राइटर हैं, उस राइटर की लाइफ में उसे जो एक डर महसूस होता है, उस फियर के एग्जाम्पल से हम अपने अंदर जो फियर है, इस फियर से उस फियर को कोरिलेट करेंगे और अपने फियर को किस तरीके से हम मिटा सकते हैं, ये हम नरेटर के एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको इस चैप्टर के करेक्टर के साथ अपने आप को कोरिलेट करने की जरूरत है, लिंक करने की जरूरत है। देखिए, हो सकता है आपका भी कोई ऐसा ही डर आपकी लाइफ में जुड़ा हो, हो सकता है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लगता हो, हो सकता है आपको किसी एक पर्टिकुलर टीचर से डर लगता हो, तो किस तरीके से उस टीचर के डर से या किस तरीके से आप अपने उस वीक सब्जेक्ट के डर से अपने आप को दूर कर सकते हैं या कैसे इसको आप मिटा सकते हैं, चलिए हम इस चैप्टर में इसी तरीके की चीज को समझेंगे। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि फियर किसी इंसान की लाइफ को किस तरीके से इंपैक्ट करता है, चलिए हम इसी फियर की ही बात कर लेते हैं। फियर, देखिए फियर क्या होता है? फियर एक अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। अच्छा, ये कब कब आती है हमें ये फीलिंग? जब हमें डेंजर फील हो। अच्छा, डेंजर चाहे वो रियल हो सकती है, चाहे वो डेंजर इमेजिनरी हो सकती है। कई बार हमें चीजें जैसी होनी चाहिए वैसी दिखाई नहीं देती, उससे भी हमें डर लगता है।
इसी वजह से किसी ने फियर को इस तरीके से एक्सप्लेन किया है. फियर का मतलब लिखा है फॉल्स एविडेंस अपीयर्स रियल. जी हाँ, बहुत बार ऐसा होता है बच्चों कि हमें जो फॉल्स एविडेंस होते हैं वो हमें रियल अपीयर होते हैं, सही लगते हैं, उससे भी हम डर जाते हैं. देखिए, बहुत से स्टूडेंट फियर और फोबिया को सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, जो कि गलत है. देखिए, फोबिया एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जबकि फियर एक जनरल टर्म होती है, जिसे हम कह सकते हैं अम्ब्रेला टर्म, जिसके अंडर फोबिया आता है. आई होप आपको समझ में आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. देखिए बच्चों, ऐसी बहुत सारी एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं जो कि फियर और फोबिया पर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड सर्वे करती हैं. देखिए, एक सर्वे किया गया था, जिस सर्वे में पूछा गया लोगों से कि उनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लगता है. चलिए मैं अभी आपके सामने वो डेटा शेयर करता हूं. और सबसे पहले आपको बताना है कि इनका नाम क्या है. ये फोबिया जो अभी बताने वाला हूं, इनके नाम आपको बताने हैं. आंसर कमेंट बॉक्स पे लिखना है, लेकिन टाइमर शुरू होने के बाद. अभी आप देखेंगे, पहली फोटो आपके सामने है फियर ऑफ हाइट. बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद जब आपको डर लगता है तो इसे हम एक स्पेशल टाइप का फोबिया कहते हैं. नाम अभी दिमाग में आ गया तो बहुत अच्छा है, दरवेज सोचते रहिए. सेकंड इमेज आपके सामने है फियर ऑफ घॉस. देखिए, आपको भी लगता होगा भूतों से डर. अब देखिए ये कितना सही कितना गलत है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे हैव दिस फोबिया. थर्ड इमेज यहां पे है फियर ऑफ डेथ. देखिए, डेथ बच्चों एक इनएविटेबल ट्रुथ है जो कि कभी भुलाया नहीं जा सकता. तो अक्सर लोगों को मौत से भी डर रहता है. आपको बताना है कि ये कौन सा फोबिया होता है. और आखिरी इमेज हमारी है फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी से डर लगना. तो देखिए, चार आंसर आपके पास होने चाहिए. सोचिए. और अभी मैं टाइमर शुरू करता हूं. टाइमर शुरू करने के बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाके ये चारों फोबिया के नाम लिखने हैं. सो गेट योर सेल्फ रेडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. आई होप सभी ने आंसर लिख दिए होंगे. चलिए चेक करते हैं इनका राइट आंसर क्या है. सबसे पहले है फियर ऑफ हाइट. फियर ऑफ हाइट को हम कहते हैं एक्रोफोबिया. जी हाँ, एक्रोफोबिया. फियर ऑफ घोस्ट, इसको हम कहते हैं फेस्मोफोबिया. देखिए क्या है, PHASMO, फेस्मोफोबिया. तीसरा है फियर ऑफ डेथ. फियर ऑफ डेथ को हम कहते हैं थैनेटोफोबिया. क्या कहते हैं, थैनेटो फोबिया. और आखिरी है फियर ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया. वेल डन टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द राइट आंसर. चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं बायोलॉजी ऑफ फियर. हम इस स्लाइड में ये जानेंगे कि फियर आखिर हमें लगता क्यों है, और जब फियर लगता है तो क्या होता है हमारी बॉडी में. देखिए, मैं कोई साइंस एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा कोई स्पेशलाइजेशन साइंस में नहीं रहा, या स्पेशली कहें तो मेडिकल साइंस में नहीं रहा, लेकिन जितनी थोड़ी मुझे नॉलेज है उसी के बेस पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो फियर है ये किस तरीके से हमें लगता है. तो इसके चार स्टेप्स होती हैं. सबसे पहले है लर्निंग ऑफ फियर सिंबल्स. देखिए, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हमारी एज कम होती है, तो उस समय हमारे माइंड ने किसी भी तरीके के फियर को एक्सपीरियंस कभी किया ही नहीं, तो ये क्या होता है हमें बिल्कुल पता नहीं होता है. धीरे धीरे हम इस फियर को
लर्न करना सीखते हैं। किस तरीके से सीखते हैं? जब हम अपने सराउंडिंग्स में जो चीजें हैं या जो लोग हैं उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, जब हम उनके रिलेशन में आते हैं, तो उससे लर्निंग शुरू होती है चीजों की। और इसी लर्निंग में फियर सिंबल्स को भी हम लर्न कर लेते हैं। ये सिंबल्स कौन से होते हैं? तो फियर सिंबल्स वो सिंबल्स होते हैं जिनसे हमें डर लगता है। ये सिंबल्स ऑडियो बेस हो सकते हैं और वीडियो बेस भी हो सकते हैं। देखिए, एक बार जब हमारे माइंड ने इन फियर सिंबल्स को लर्न कर लिया, तो उसके बाद जब भी कोई फियर सिंबल हमारे सामने आएगा तो हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ये जानने के लिए हम एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि सुनसान रात को एक सुनसान रास्ते पर आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके सामने कुछ इस तरीके की एक विजुअल्स आपके सामने आ जाती है आंखों के सामने, और ये इतना अचानक होता है तो आपकी बॉडी इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, चलिए एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले आपने उस सिंबल को आइडेंटिफाई कर दिया। आइडेंटिफाई करने के बाद आपके माइंड में सबसे पहले कुछ चीजें एक्टिवेट होती हैं, और वो क्या है? अमिगडाला। अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है? तो आप देख रहे हैं ये जो ग्रीन पार्ट होता है हमारे माइंड का, इसे हम कहते हैं अमिगडाला। अमिगडाला एक आमंड शेप का बंडल होता है, समझ लीजिए न्यूरॉन्स का, न्यूरॉन्स का एक बंडल जिसका शेप होता है बादाम की तरह। इसका क्या काम है? इसका काम है इमोशन को एनालाइज करना। देखिए, हमारे माइंड में जो भी इमोशन प्रोड्यूस होते हैं या जो उनको एनालाइज जब भी किया जाता है, तो ये जो अमिगडाला नाम का जो हमारा ब्रेन का एक जो हिस्सा है, यही इसे एनालाइज करता है। तो हमने देखा कि उस फियर सिंबल को सामने पाकर हमारे माइंड का एक पार्ट जिसका नाम है अमिगडाला, वो एक्टिवेट हो गया। देखिए, जब अमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है तो होता क्या है? देखिए, तीसरी प्रोसेस में ये रिलीज करता है, अमिगडाला रिलीज करता है स्ट्रेस हार्मोन्स को। देखिए, स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में सर्कुलेट होना शुरू हो जाते हैं और इससे एक चीज और एक्टिवेट हो जाती है जिसे हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, इस फोटो में मैंने दिखाने की कोशिश की है कि हमारे बॉडी में जो नर्वस सिस्टम होता है, जिसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पार्ट्स होते हैं, पहले वाले को हम कहते हैं पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक इधर जो है इसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो देखिए, जब ये स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारे बॉडी का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, इसके एक्टिवेट होने से स्टेज फोर में हमारी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है। देखिए, कोर्टिसोल के रिलीज होने से ही हमारे बॉडी का बिहेवियर बदल जाता है। देखिए, मैंने आपको कोशिश की है ये समझाने की कि किस तरीके से फियर हमारे बॉडी को इंपैक्ट करता है, और इस चैप्टर में हम इतना डीप तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम एक समझने की कोशिश करेंगे कि फियर, एक जनरल फियर जो हमारे माइंड में होता है, तो हम कैसे उसे एलिमिनेट करें, कैसे उसे हम कंकर करें, कैसे हम उसे ओवरकम हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। देखिए बच्चों, दिस चैप्टर हैज बीन रिटन बाय विलियम डगलस। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ही इज विलियम डगलस, और ही वॉज बॉर्न इन मेन। मेन नाम के शहर में इनका जन्म हुआ। मेन कहाँ है? तो ये यूएस की बात हम कर रहे हैं, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। देखिए बच्चों, विलियम डगलस दो चीजों की वजह से बड़े फेमस हैं। सबसे पहले तो वो एक लीडिंग एडवोकेट रहे हैं अमेरिकन कोर्ट्स में, और इनके नाम एक खिताब भी है। वो खिताब ये है कि ही हैज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
और दूसरी चीज जिसके लिए वो फेमस हैं वो हैं अपनी फ्रेंडशिप विद फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। देखिए आप जानते होंगे ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि 32nd प्रेसिडेंट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो ये इनके एडवोकेट भी रहे हैं और इनके एडवाइजर और फ्रेंड भी रहे हैं। विलियम डगलस इज ऑल्सो पॉपुलर फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज ऑफ मैन एंड माउंटेन। दिस इज द क्लासिकल कवर ऑफ द बुक एंड यू कैन सी दिस चैप्टर इज नथिंग बट द एक्सक्रिप्ट ऑफ द सेम बुक। यानी कि ये जो चैप्टर हमारे बीच है डी वॉटर, ये इसी बुक का ही एक पार्ट है। अच्छा, इस हिस्से में यानी कि डीप वाटर में नरेटर ने क्या हम सबको बताया है, उन्होंने हमें बताया है कि कैसे जब वो एक यंग बॉय थे तो वो एक स्विमिंग पूल में किस तरीके से बिल्कुल डूब ही गए थे। उस इंसिडेंट को हमारे बीच वो डिस्कस करना चाहते हैं। इस ऐसे में उन्होंने बात की है हिज फियर ऑफ वाटर और कैसे फाइनली उसने इस फियर से वो अपने आप को निकाल पाए। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट है जो कि बच्चों को मोटिवेट कर सकता है कि कैसे वो भी अपने लाइफ में किसी भी तरीके के फियर को अपने आप को उस फियर से दूर कर सकते हैं, उसको कैसे वो ओवरकम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले सभी बच्चे अपनी बुक को अपने पास लेकर आएंगे और थर्ड चैप्टर निकालेंगे। उसके बाद पे सभी बच्चे अपनी एक पेंसिल साथ रखेंगे क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपने शायद पहली बार पढ़े होंगे, उनके मीनिंग्स आप वहीं पर लिखते चलेंगे। मैं आपको यहाँ पे उनके मीनिंग भी बताता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्सचुअल एक्सप्लेनेशन। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। नरेटर यहाँ पे शुरू करता है, उसने अपने खुद के लिए प्रोनाउन यहाँ यूज किया है आई, जिससे हमें इस चैप्टर के नरेशन को पहली ही लाइन में समझने का मौका मिल गया। देखिए आप सबको पता होगा कि नरेशन किसी भी कहानी किसी भी टेक्स्ट को हम दो तरीके से नरेट कर सकते हैं। पहले हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन नरेशन और सेकंड जो है हमारा उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन नरेशन। देखिए आपको पता होगा फर्स्ट पर्सन नरेशन वो स्टाइल होती है जिसमें कहानी का नरेटर भी एक कैरेक्टर होता है, उसके अराउंड शायद कहानी रिवॉल्व करती है, इसीलिए उस कहानी की एक एक डिटेल उस नरेटर को पता होती है। तो इससे कैसे पता लगेगा हमें कि ये कहानी फर्स्ट पर्सन में है? तो देखिए जब भी आपको कोट्स जिसे हम कहते हैं डायलॉग्स, डायलॉग्स जिसके लिखे जाते हैं इनवर्टेड कोमा के बीच में, जब भी आपको इनवर्टेड कोमा के बाहर आपको अगर प्रोनाउन मिले आई या प्रोनाउन मिले आपको वी, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे नरेटर इस कहानी का एक करेक्टर है। तो यानी दिस इज फर्स्ट पर्सन नरेशन एंड सेम इज द केस विद थर्ड पर्सन। इसमें थोड़ा उल्टा है, वो ये है कि जब आपको इन कोट्स के बाहर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन देखने को मिले, जैसे ही, जैसे शी, जैसे दे और किसी के नाम, तो आप समझ जाएंगे कि इस कहानी में थर्ड पर्सन नरेशन का यूज किया गया है। देखिए थर्ड पर्सन नरेशन में ऑथर एक कैरेक्टर नहीं होता, ही एक्ट्स लाइक गॉड। इसे हम कहते हैं कि यहाँ पे नरेटर एक गॉड की तरह होता है जो कहानी में तो नहीं है, लेकिन एक एक करेक्टर के दिल में दिमाग में क्या चल रहा है उसे सब पता है और वो उस सबको प्रेजेंट भी कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहानी शुरू हुई है नरेटर के पास्ट से, यानी कि नरेटर प्रेजेंट में अभी बच्चा नहीं है, वो अपने पास्ट की बात हम सबको शेयर कर रहा है। ये बात तब की है जब मेरी उम्र 10 या 11 साल थी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, तब मैंने स्विमिंग सीखने का फैसला किया था। देयर वॉज ए पूल, वहां एक पूल था एट वाइमसी, वाइमसी के पास एक पूल था इन यकीमा,
यकीमा एक नदी का नाम है, यकीमा के पास वाइमसी में एक पूल था दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाता था। कौन सी अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी टू लर्न टू स्विम। द यकीमा रिवर, हम बात कर रहे हैं यकीमा रिवर की। यकीमा रिवर को आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये जो आपको ब्लूइश लाइन दिख रही है, दिस इज यकीमा रिवर एंड इट फ्लोज इन वॉशिंगटन स्टेट। जो आप देख रहे हैं, वॉशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। ये दूसरा स्टेट यहां से दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑरेगन। तो वॉशिंगटन स्टेट में ये नदी बहती है, इसका नाम है यकीमा, और यकीमा एक नेटिव कम्युनिटी का नाम है जिससे ही इस नदी का नाम यकीमा रखा गया है। इस यकीमा रिवर पर ही बने एक वाइमसी पूल से मैं ये स्विमिंग सीख सकता हूं। तो यहां कहा गया है कि यकीमा रिवर वॉज ट्रैक्चरस। ट्रैक्चरस का मतलब बच्चों होता है वेरी डेंजरस। तो ये नदी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मदर कॉन्टिन्यूसली वॉर्न अगेंस्ट इट। मेरी माँ यानी कि नरेटर की मदर हमेशा कॉन्टिन्यूसली उसे वार्निंग देती रहती है इस रिवर के बारे में, एंड कैप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। और रिवर के अंदर हर एक इंसान की जो डूबने से जो मौतें होती हैं उनकी डिटेल्स वो मेरे माइंड में फ्रेश रखती हैं। यानी कि नरेटर की मदर नरेटर को हमेशा वार्न करती है कि बच्चे तुम्हें कभी भी इस यकीमा रिवर के आसपास भी नहीं जाना है। बट द वाइमसी पूल वॉज सेफ। रिवर तो बहुत डेंजरस है, लेकिन जो वाइमसी पूल है ये बहुत ही सेफ है। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द स्वेलो एंड। देखिए स्वेलो एंड कौन सा होता है, तो देखिए हम बात कर रहे हैं इस पूल की, और ये पूल कुछ इस तरीके का है। मैं बनाता हूं इसकी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये सरफेस आप देख सकते हैं, ये वाटर का सरफेस है। यहां यहां कह रहे हैं कि ये जो पूल है वाइमसी पूल ये सेफ है, क्योंकि इसका जो एक एंड है यानी कि एक जो किनारा है जिसे हम कहते हैं स्वेलो एंड, ये सिर्फ 2 से 3 फीट ही गहरा है। एंड While it was 9 feet deep at the other, लेकिन इसका जो दूसरा जो साइड है, इस साइड ये काफी गहरा है पूल, इधर ये 9 feet है। यानी कि इस पूल की एक साइड तो आपको दिख रही होगी 2 से 3 feet ही है, लेकिन दूसरी साइड आपको दिख रही है 9 feet deep है। The drop was gradual. यानी कि इस स्वेलो एंड से अदर एंड की तरफ आप जब जाएंगे तो ये जो ड्रॉप है ये काफी ग्रेजुअल है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही तीव्र ढलान है, बिल्कुल स्लो पेस में ये नीचे की तरफ गहराई जाती है। आई गॉट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स। नरेटर का वो दिन था जब उसने सीखना शुरू किया स्विमिंग को, उसने सबसे पहले वाटर विंग्स अरेंज की and he went to the pool, और वो पूल में चला गया। I hated to walk naked into it, यानी नरेटर को पूल के अंदर नेकेड जाना अच्छा नहीं लगता है। He hates this and show my skinny legs, और नरेटर को ये भी अच्छा नहीं लगता कि वो उसकी skinny legs, स्किनी लेग्स की हम बात करें तो स्किनी लेग्स का मतलब क्या होता है, वेरी थिन। तो बहुत ही ज्यादा जो पतली टांगे जो नरेटर की हैं उनको दिखाना भी नरेटर को अच्छा नहीं लगता। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन नरेटर ने अपने प्राइड को, अपने इस अहम को, अपने इस गर्व को सबड्यूड कर दिया। सबड्यूड करने का मतलब बच्चों क्या होता है, रिप्रेस्ड कर देना। यानी उसने अपने इस प्राइड को सबड्यू कर दिया, यानी कि सप्रेस कर दिया, एंड डिड इट, और उसने ये कर लिया। क्या कर लिया, जो उसने अभी हमें बताया कि ही हेटेड
गोइंग टू पूल नेकेड. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन अवर्जन टू द वॉटर व्हेन आई वॉज इन इट. शुरुआत से ही आई हैड एन अवर्जन. अवर्जन का मतलब होता है बच्चों डिसलाइक करना. तो शुरुआत से ही मैं वॉटर को डिसलाइक करता था, यानी आई हेटेड वॉटर व्हेन आई वॉज इन इट. जब मैं पहली बार पानी में गया था तब से ही मैं पानी को डिसलाइक करता हूं. दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old. ये बात कब की है? जब मैं 3 या 4 साल का था. एंड द फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया. जब मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया बीच पर लेके गए थे. ये रियल फोटोग्राफ है कैलिफोर्निया बीच की. तो जब नरेटर के फादर नरेटर को कैलिफोर्निया बीच पर लेके गए थे, जब नरेटर की उम्र 3 से 4 साल की थी, तब ऐसा पहली बार हुआ था कि नरेटर ने वॉटर के लिए अपनी जो डिसलाइक है उसको डेवलप किया. क्या हुआ था एग्जैक्टली उस दिन तो बता रहे हैं. ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ. यहां ही किसके लिए किया गया है? फादर के लिए. तो फादर और मैं दोनों साथ खड़े हुए थे उन लहरों के बीच में. आई हंग ऑन टू हिम येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी. लहरों को अपनी तरफ आता देखकर मैंने अपने आप को बचाने के लिए मैं फादर से हंग यानी लटक गया. येट लेकिन फिर भी द वेव्स नॉक्ड मी डाउन. नॉक्ड मी डाउन का मतलब बच्चों होता है स्ट्राइक टू ग्राउंड यानी जमीन पर पटक देना. मैं हालांकि मेरे फादर से लटका हुआ था लेकिन फिर भी उन वेव्स ने मुझे जमीन पर पटक दिया एंड स्वेप्ट ओवर मी और मेरे ऊपर से गुजर गई. आई वॉज बरीड इन द वॉटर. मैं बिल्कुल पूरे तरीके से पानी के अंदर दफन हो गया था. माय ब्रेथ वॉज गॉन. मेरी सांसें भी रुकने को हो चुकी थी. आई वॉज फ्राइटेंड. मैं बहुत ज्यादा डर चुका था. द फादर लाफ्ड. लेकिन मेरे फादर मेरी इस कंडीशन पर परेशान होने की बजाय हंसते हैं. बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. लेकिन उन लहरों के मुझे ओवर पावर करने की वजह से मेरे दिल में वो टेरर वो डर देखा जा सकता था. माई इंट्रोडक्शन टू द वाइनसी स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीर्ड चाइल्डिश फियर्स. वाइनसी पूल पर पहली बार जाने के बाद इस पूल ने मुझे रिवाइव कर दिया मेरी अनप्लीजेंट मेमोरीज को. कौन सी अनप्लीजेंट मेमोरीज? तो अभी जो नरेटर ने बताया है कि जो उसके साथ हुआ था एट कैलिफोर्निया बीच, वो अनप्लीजेंट मेमोरी एक बार फिर से उसको याद आ गई जब वो वाइमसी स्विमिंग पूल पर पहुंचता है. एंड स्टीयर चाइल्डिश फियर. और नरेटर का जो चाइल्डिश फियर है, पानी से जो हेट है, ये उसका जो चाइल्डिश फियर है, ये फियर उसको एक बार फिर से याद आ जाता है. बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस. लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया. आई पैडल्ड विद माई न्यू वॉटर विंग्स. मेरे जो नए वॉटर विंग्स हैं इसकी हेल्प से मैंने पानी के अंदर जाने के बाद पैडलिंग करना शुरू किया. वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम. एपिंग का मतलब बच्चों होता है कॉपी करना. यानी कि पानी के अंदर पहुंचने के बाद मैंने अपने नई वॉटर विंग से पैडलिंग करना शुरू किया और आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑल्सो द अदर बॉयज. मैंने दूसरे बॉयज को भी
देखना शुरू किया और मैंने कोशिश की, ट्राई टू लर्न, उन सब से सीखने की कोशिश की बाई एपिंग दैम, उनको कॉपी करके हुए। यानी जो मेरे साइड में जो बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं, मैंने उनको देखकर ठीक उनकी तरह ही करने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। ऐसा ही मैंने अगले 2 से 3 बार भी किया अलग अलग दिन। यानी कि मैं पूल में जाता, दूसरे बच्चों को मैं देखता, जिस तरीके से वो स्विमिंग करते मैं भी उन्हीं की तरह स्विम करता। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। और जब मैं पानी के अंदर अपने आप को कंफर्टेबल रखने की कोशिश कर रहा था, द मिस एडवेंचर हैपेंड। तभी मेरे साथ वो घटित हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यानी जब नरेटर को स्विमिंग पूल पर जाते हुए 2 से 3 दिन ही हुए थे कि उसके साथ में एक मिस हैपनिंग हो जाती है, जो उसकी पूरी लाइफ को आगे तक हमेशा के लिए बदल के रख देती है। और इस मिस हैपनिंग से आगे वाले पार्ट को हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा। चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी हमारे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट के साथ। तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे।